वेलकम टू NcertWayUpsc NcertWayUpsc में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम सेकंड वीक अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स, इस वीक क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स खबरों में छाए रहे इंडिया के अंदर और साथ ही साथ दुनिया के अंदर, तो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उनके बारे में इस वीक जो छाए थे उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुषमा स्वराज जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने SCO की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। 17 CSG की मीटिंग हेल्ड हुई थी SCO की तजाकिस्तान के अंदर, कहां पे? दुशांबे में, जो कि तजाकिस्तान की सिटी है, वहां पे ये मीटिंग हेल्ड हुई थी SCO की। CSG की मीटिंग, CSG जो है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, ये जो सुप्रीम बॉडी है SCO की। अब देखिए SCO क्या है, SCO एक रीजनल एक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, क्योंकि संघाई के अंदर 15 जून 2001 को चाइना के अंदर सिटी है, उनकी फाइनेंशियल सिटी है, बड़ी सिटी में, काफी बड़ी सिटी है शंघाई, वहां पे 15 जून 2001 को इस SCO की स्थापना हुई थी, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। और ये जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस के रूप में बनाया गया था, इस पूरे रीजन में पीस एस्टेब्लिश, पीस के क्षेत्र में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो और अपना सिक्योरिटी एक्सचेंज सिक्योरिटी अलायंस कैसे बना रहे और पॉलिटिकल जो अलायंस है वो किस हिसाब से इस पूरे रीजन में स्टेबल रहे, तो उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 15 जून 2001 को शंघाई के अंदर, चाइना के अंदर सिटी है शंघाई, वहां पे, इसलिए इसका नाम है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें इसको बनाने वाले जो फाउंडर मेंबर कंट्रीज थी वो कौन थी? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया ने इसको फॉर्मली 9 जून 2017 को इंडिया को इसका परमानेंट मेंबर बना दिया गया है, और इंडिया के साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी इसकी मेंबरशिप ज्वाइन किया, तो इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने ही 9 जून 2017 को उन दोनों को ही इनका मेंबर बना दिया गया था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग हेल्ड हुई थी आपकी समिट अस्ताना में कजाकिस्तान के अंदर, तब दोनों ने, इंडिया और पाकिस्तान ने, इसको फॉर्मली ज्वाइन कर लिया था। अब देखिए SCO जो है ये आपको अभी बताया पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है, तो इसी की मीटिंग हेल्ड हुई है कहां पे? अभी दुशांबे में तजाकिस्तान के अंदर, तो 11 और 12 तारीख को। तो सुषमा स्वराज जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब देखिए इसमें वर्ल्ड पोस्ट डे जो आपकी 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे कमेमोरेट किया जाता है हर साल 9 अक्टूबर को इसलिए किया जाता है क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एस्टेब्लिश की गई थी स्विट्जरलैंड के कैपिटल बर्न में, तो इसी के कारण हर साल 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे कमेमोरेट किया जाता है, तो इस साल भी 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे कमेमोरेट किया गया। प्रवीण श्रीवास्तव की अपॉइंटमेंट हो गई है चीफ स्टैटिस्टिशियन के रूप में, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बन गए हैं कौन? प्रवीण श्रीवास्तव, तो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया ये जो है आपके, ये भारत के अंदर जो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो डाटा वगैरह जो कलेक्ट करने का काम है, तो उनकी एक सुप्रीम बॉडी है, उसके ये इनको बना दिया गया चीफ स्टैटिस्टिशियन। अब ये जो है कौन है? प्रवीण श्रीवास्तव, तो इस वीक इनकी अपॉइंटमेंट हुई है एज CSI चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। जापानीज पासपोर्ट, जो जापान का पासपोर्ट है उसको दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना गया है, ये एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में जापानी पासपोर्ट ने इस साल 2018 में दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट में से अपना स्थान बनाया है नंबर एक पर। पिछले साल जो था वो सिंगापुर का पासपोर्ट, जो सिंगापुरियन पासपोर्ट था वो नंबर एक पर था, लेकिन इस साल उसको पछाड़ के जापानी पासपोर्ट जो है वो नंबर एक पर आ गया है और सिंगापुरियन पासपोर्ट को उसने पछाड़ दिया है। अब देखिए ये जो इंडेक्स है, ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उन्होंने ये जारी की है ये लिस्ट, और इस लिस्ट में इंडिया का जो पासपोर्ट है वो कब कौन से नंबर पर? 81st नंबर पे, काफी पीछे हैं हम, 81st नंबर पे इंडिया के पासपोर्ट को इन्होंने स्थान दिया है। और देखिए जापानीज पासपोर्ट में इन्होंने स्थान इसलिए दिया है क्योंकि इवन जापानी पासपोर्ट पावरफुल, इसका ये मतलब है कि लगभग 190 कंट्रीज जो है वहां पे सिर्फ आप जापान के पासपोर्ट से वीजा ऑन अराइवल मिलता है आपको, अब वहां उन कंट्रीज में जा सकते हो, वहां बाद में आपको वहां पे वीजा वगैरह की या और कोई जो फॉर्मल जो आपके चीजें होती हैं वो आप वहां पे जाने के बाद कर सकते हो लगभग 190 कंट्रीज में। इंडिया जो है 60 डेस्टिनेशंस में ऐसा कर सकता है, सिंगापुर जो का जो पासपोर्ट है वो 189 कंट्रीज में, तो जापानीज पासपोर्ट को जो है इस साल दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट का दर्जा मिला है और इंडिया को 81st, काफी पीछे हैं, हमें काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब देखिए इस साल एक और इम्पोर्टेंट, इस वीक जो है इम्पोर्टेंट एक इवेंट हुआ, प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद उन्होंने इनॉग्रेट किया है 29th अकाउंटेंट्स जनरल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली के अंदर, तो अकाउंटेंट्स जनरल कॉन्फ्रेंस को इन्होंने इनॉग्रेट किया है 29th कहां पे? दिल्ली के अंदर, किसने? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने।
कंट्रीज फर्स्ट एथेनॉल प्लांट, देश का पहला एथेनॉल प्लांट जो है वो उड़ीसा के बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। अब देखिए एथेनॉल जो है वो काफी सारी चीजों में, मेडिसिन के क्षेत्र में और इसी के साथ साथ फ्यूल के रूप में भी एथेनॉल का यूज किया जाता है। इवन एथेनॉल जो है ऐसा फ्यूल है जो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसके प्रभाव को कम करता है, एक अच्छा एक फ्यूल के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो एथेनॉल की रिफाइनरी जो है उड़ीसा के बारगढ़ में पहली रिफाइनरी लगाई जा रही है। ये जो रिफाइनरी है ये जो सरकार है केंद्र सरकार उसने 11 अलग अलग राज्यों में 12 रिफाइनरी लगाने का ऐलान किया था, उसमें से सबसे पहली रिफाइनरी ये है ओडिशा के बारगढ़ में। तो बारगढ़ में दुनिया भारत की पहली एथेनॉल प्लांट जो है वो आपका लगाया जा रहा है। अब देखिए इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इस वीक हुई है, तुषार मेहता को अपॉइंट कर दिया गया है नया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो नया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया है तुषार मेहता को। अब देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है जो लॉ ऑफिसर की गवर्नमेंट के अंदर सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर। इससे जो फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट होती है भारत के अंदर वो होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आता है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए कौन, तुषार मेहता, और अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल। अब देखिए सॉलिसिटर जनरल क्या है, सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट है, इससे पहले ये क्या थे, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में वर्क कर रहे थे। तो अब तुषार मेहता को अपॉइंट कर दिया गया है नया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, जो सबसे सुप्रीम फर्स्ट नंबर पोस्ट है, कौन सी आती है, लॉ ऑफिसर के रूप में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बना दिया गया है, और अपने अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल, ये 15वें अटॉर्नी जनरल है अपने के वेणुगोपाल। अब देखिए इस वीक एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, अमेरिका के अंदर निकी हैली जो कि इंडियन ओरिजिन की है, निकी हैली उन्होंने यूएस एम्बेसडर थी वो यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। निकी हैली ने अपना रेजिग्नेशन डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और निकी हैली ने स्टेप डाउन कर दिया है एज यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस। अब देखिए एयरफोर्स डे भी मनाया गया 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को हर साल आपको पता है एयरफोर्स डे कमेमोरेट किया जाता है, तो इस साल भी ये 86 एयरफोर्स डे जो था 2018 का वो कमेमोरेट किया गया, मनाया गया। और इसी के दौरान 86th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने भी एक नई एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, ये एक हेल्थ एप्लीकेशन है मेड वॉच नाम करके। तो मेड वॉच जो है ये एयरफोर्स ने लॉन्च की, इंडियन एयरफोर्स ने एक हेल्थ एप्लीकेशन है, और प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष का विजन, इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने भी एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है मेड वॉच। इसमें मेड वॉच के अंदर आपको कई सारी जानकारियां, कई सारे हेल्थ टिप्स आपको इस एप्लीकेशन में जानने को मिलेंगी। अब देखिए 8 अक्टूबर क्यों कमेमोरेट किया जाता है एयरफोर्स डे, तो 8 अक्टूबर 1932 को जब हम ऑब्वियसली ब्रिटेन जो था उसके अंडर थे इंडिया, उसी दौरान 8 अक्टूबर 1932 को हुई इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी, और ब्रिटिश एम्पायर के अंडर इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। तो इसी कारण 8 अक्टूबर को हर साल क्या किया जाता है, एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है, उसको कमेमोरेट किया जाता है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट इवेंट इस वीक हुआ है, फोर डे लॉन्ग इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड किया गया है लखनऊ के अंदर, तो उसका कंक्लूजन हो गया है। 4 दिन का ये लंबा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल था, इस दौरान काफी सारे प्रोग्राम हेल्ड किए गए थे, और इसकी फोकल जो थीम थी IASF 2018 की वो क्या थी, साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसकी थीम थी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 की। IMF ने, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई है, IMF ने इंडिया की जो 2019 की ग्रोथ रेट है उसको 7.3% पर रखा है। तो इंडिया की ग्रोथ को लेके IMF ने ये घोषणा की है कि इंडिया की ग्रोथ अगले साल भी फाइनेंशियल ईयर जो 2019 है उसमें कितनी रहेगी, 7.3%। तो अच्छी ग्रोथ रेट है, ये फोरकास्ट किया IMF ने। और इस वीक एक और इंपॉर्टेंट चीज, नोबेल प्राइज की घोषणा हुई है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में विलियम नॉर्डहाउस और पॉल रोमर दोनों ही अमेरिकन हैं, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, और इन दोनों को ही कंबाइंडली इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलेगा, विलियम नॉर्डहाउस और पॉल रोमर को। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।